from parents across the world. See, this is so we have to more than 7,000 or 30,000. So very large number. It's very happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys. Jaisa hamare experience is, since 1999 till date, we have been successful in bringing back more than 7,000 people. But that doesn't mean that the number is only 7,000. Fighting against conversion and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Bring them back. Please help us. So the number is not in 7,000 or 30,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys. This is our experience case. It's 1999 till date. Shunita, this side. Shunita, this side to your right. This is Shobhi from India Blooms. Do you think the Indian opposition political parties who are talking against the film, do you think they hide behind the term like communal harmony whenever films like Kashmir Files or Kerala Story releases? যখন পদ্মাবত বলে একটা ছবি এসেছিল, ছবিটা ব্যান করা হয়েছিল, आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है। अगर हम लोगों ने कोई इस फिल्म को देखे है, इस फिल्म में मैंने 11 बार आईसीस का नाम लिया। हमने बारीकी से टेरर नेटवर्क कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात की। ये जो वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा 26 लड़कियों की एक ग्रुप आए थे हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए बॉम्बे में। इन लोगों ने बारीकी से बताया कि कैसे इनकी इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ मुझे डिफीट करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन लड़कियों की जवाब आज तक नहीं मिली। ये लड़कियां जो आई थी केरल से बॉम्बे में परसों, इन लड़कियों की जवाब नहीं मिली। मुझे डिस्क्रेडिट करके 3 या 32 या 50 या 6 हजार 7 हजार 10 हजार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो है वो है इशू। उस इशू को अगर आप लोग ये फिल्म देखते तो इस इशू के बारे में हम बात करते और ये बात करते कि ये लड़कियों के साथ जो हुई है और जो होने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। एक फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। ये सच्चाई भी तो नहीं है। नहीं, ये हो सकता है 31,942 है, हो सकता है 47,740 है। अगर इस देश की एक बेटी के साथ भी गलती होती है ना, सर उनसे सर झुक जाना चाहिए। तो इसलिए नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने तो जो लड़की बोली ना, वो है रियल विक्टिम। उसने बोल के गई 32,000 से बहुत ज्यादा है। हमने फिल्म में 32,000 नहीं बोली। हमारे फिल्म में कहीं पे 32,000 श्रद्धा है नहीं। सर, हमने 30,000 बोले, हमने 50,000 बोले। सुदीप सर, सर सर फिल्म में है। सुदीप तो ना फिल्म में सर गाना में है। मिस्टर सेन, मेरा सवाल ये आपसे यह है, मैं बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट निशान लगा देता है, आपको नहीं लगता क्या ये आपका डिफीट है कि जो आप सच बता रहे हैं वही चीज, एक मिनट में खत्म कर लूं, वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है फिक्शनल है, तो बेस जो है स्टोरी का वही कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे फिक्शनल। अगेन आई विल से, अगर आप फिल्म देखते, अगर फिल्म को लेके कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता,
सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म में जो जो कहानी बोला गया है फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की थी वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ गैंगरेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है, आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है। मेरी कहानी, मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया, उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है, उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन आई स्टैंड बाय माय फिल्म। सुदीप्त दा, हमें बिंदु राय चौधरी कथा बोल छिना, रिपब्लिक बांग्ला থেকে सुदीप्त दा। सर, एज एन एक्टर, हिंदी या इंग्लिश? एज एन एक्टर आई थिंक कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है, अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा। एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं एक ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था, तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से, आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है। अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो जरूर चुनती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई दैट आई कुड बी द फेस ऑफ सो मेनी स्टोरीज, कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए। एक एक्टर एक मीडियम है, तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ, एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को। एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी, सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है, तो ये जो हम लोग नंबर्स ऐसे जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000, 32,001, 32,002, तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्चुअल स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू, उतना तो हम लोग कर सकते हैं। सुदीप्त बाबू, मैं बिट्टू राय चौधरी कथा बोलছিলাম রিপাবলিক বাংলা থেকে। একটা বিষয়, ছবিটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তারপর আবার দেখানোর একটা সুযোগ এসেছে, এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যদি কোথাও গন্ডগোল হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি সরকারের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন বা আলোচনা করবেন যাতে এই পরিস্থিতি তৈরি না হয়? আমি যতগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছি না বা আমার প্রোডিউসার যতগুলো বম্বে থেকে লাস্ট 10 দিন ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছে, আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে আপনি একবার ফিল্মটা দেখুন। এটি আমরা ছবিতে এতগুলো মেয়ের হাজার হাজার মেয়ের গল্প বলেছি, একবার ফিল্মটা দেখুন, যদি ফিল্ম দেখে মনে হয় যে মেয়েগুলো মিথ্যে কথা বলছে, তাদের টেস্টিমনি ফিল্মের শেষে দেওয়া হয়েছে, তারা মিথ্যে কথা বলছে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি, ছবিটা দেখে মন্তব্য করুন ছবিটার ব্যাপারে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট ছিল। আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি পলিটিক্সের ভাষায় কথা বলতে পারবো না, আমি শুধু একটু বলতে পারি যে আমরা একটা অনেস্ট ছবি বানিয়েছি, বছরের বছর বছর ধরে রিসার্চ করে এক একটা ডকুমেন্ট দেখাটা করে আমরা করেছি, সেই জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ে ছবি থেকে একটা ওয়ার্ড কাটা হয়।
So Hello, sir. This QTV lady has a question for you. That we are claiming that so much of research we have done, so much of work has been done on this subject. And on the other hand, people are saying it is a propaganda film. What is your, how you are coping up with the situation, how you are reacting to the question? Okay. Can't hear her. Journalist on phone de rahe hain wahan pe. Sir, Vipul sir, we can hear you. Hari? We can hear you. Please answer her question. That people are putting allegation on us that it's a propaganda film. Can you hear me? Can you hear me? I can use words. So you got the question? No, I did not. The question is that in spite of having so much of research and hard work put up into the film, people are blaming us that it's a propaganda film. So how do you react to this question and how do you cope up with the situation? This is a question for you. Okay. So basically, see, who is asking us that this is a propaganda? Who is asking, right? So there are people who are actually, they have political motive of asking. Look at the number of people who are seeing the film and the audience that is coming outside after watching the film. Look at their reaction, what are they saying? And let me ask you a simple question, that why we are being questioned and we are brave enough to come and honest enough to come and face you and answer you. Have you all gone and asked the question to this government that after the Supreme Court's order, why are they not backing the girls? Why are they backing the terrorists? Why are they not allowing the film to be a smooth release and let people decide if this film is good or bad? Go and ask this to them also. Because it is very shocking that even after the Supreme Court judgment, we are requesting the government to please support these girls. You want to drag us to court? We came to court. You want to drag us and question about 32,000 number? Come to the court. We'll answer in the court. But why are you not supporting the girls? And that is a more important question here. We are not important. This film is important. This subject is important. And I think you all need to take this question to the government and ask them. Why is after Supreme Court's order, which has completely squashed this ban, why are they not allowing the film for a smooth release? Why are they stopping the film? Yes. Sir, I have two questions. Hello, hi Ada. Hello, hi. This is here. This is Arashika from here. Hi Ada. हाँ आई अग्री ये मूवी में हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट्स को स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली अगर टेररिस्ट की जो लोग हैं कौम है हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचे कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को गैंग रेप कर रहे हैं 15-15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट को औरत को रेप कर रहे हैं लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं कैप्टिगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स दे के उसे सीरिया लेके जा रहा है जबरदस्ती बिना उसके मर्जी के उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहा है तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है
तो अगर आपने देखी नहीं हो आप डेफिनेटली देखो एंड आई एम श्योर आपको भी डेफिनेटली ये लगेगा। आदा वेट, आदा हाय आदा, माय क्वेश्चन इज फॉर यू एक्चुअली। आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों को क्या, लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा वो रियली ये व्हेन दे रियली हैव गॉन थ्रू दिस, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को भी हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो उन लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो उसके। आदा माय क्वेश्चन इज फॉर यू एक्चुअली, व्हेन जी इसलिए मैं एक्चुअली थिएटर में गई ताकि मैं देख सकूं कि रियल लोग क्या बोलते हैं जब थिएटर से निकलते हैं। एंड मैंने वो वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक वो लोग सब देख सकते हैं। अगर आप जनरली इवन अभी पब्लिक डोमेन पे है, यूट्यूब पे है, आप जा सकते हो और देख सकते हो कि लोग जिन्होंने देखी है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपने शायद मूवी देखी नहीं है बिकॉज हाँ बट आपने मूवी नहीं देखी है इसलिए आपका ये सवाल है। इनका सवाल था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों दिखाया है, पर हमारी फिल्म हाँ पर हमारी फिल्म अगर आप देखो तो आप देखोगे कि मेरी फ्रेंड मैं ये हूँ शालिनी उन्नी कृष्णन, ये है गीतांजलि मेनन, ये है नीमा मैथ्यूज, नीमा मैथ्यूज एक कैथलिक लड़की है, क्रिश्चियन है, चर्च जाती है, ये है आसिफा, आसिफा मुस्लिम है। तो वी हैव शोन कि केरला में इतनी सारी लड़कियां हैं। नीमा मैथ्यूज जो है वो एक कैथलिक लड़की है जो चर्च जाती है, और मैं थोड़ी बुद्धू हूँ फिल्म में, मैं बह जाती हूँ बिकॉज आई एम न्यू, बट नीमा इज वेरी क्लेवर इन द फिल्म इफ यू सी, और वो नहीं बहक जाती है पर उसको ड्रग किया जाता है और फिर ब्रेक किया जाता है। ইন্টারভিউ দিয়েছি সব জায়গাতে বলেছি যে আমার অনেক রেসপেক্ট আছে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের জন্য। আমি অনারেবল চিফ মিনিস্টারের কাছে প্রার্থনা করতে চাই যে আপনি আমাদের ফিল্মটা দেখুন, উনি যদি চান আমি ওনার সঙ্গে বসে ফিল্মটা দেখব। ব্যাপারটা হলো যে এটা আমার ছবি বা আমার ইগোর ব্যাপার নয়, এটা আমরা কতগুলো মহিলার হাজার হাজার মহিলার কথা বলেছি ছবিটাতে এবং তাদের ইস্যুটা খুব বড়। এবং সেই মেয়েগুলো যে কেরল থেকে মেয়েরা এসেছিল বা ম্যাঙ্গালোরে যে মেয়েগুলো এই 17,000 নাম্বার একটা পেয়েছি ম্যাঙ্গালোর থেকে ফোর্স কনভার্সন হয়েছে, সেই মেয়েগুলো মমতা দিদির সাপোর্ট চান। এই মেয়েগুলো এটা তো কেউ অস্বীকার করছেন না, চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিকটিশাস নাম্বার, কিন্তু 17,000 12,000 7,000 ওমানচন্ডী তো 7,000 নাম্বারও বলেছিলেন না, এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না, আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে এই ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করছেন না, তো সেটা করছেন যেটা যে নাম্বার নিয়ে। তো জয় সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। দেখেননি ছবিতে যেই যেই কথাগুলো বানানো হয়েছে, শালিনী উন্নি কৃষ্ণান যে মেয়েটির নাম সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে, এটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নিমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাংরেপ হয়েছে সেই তার সত্যিটা নিয়ে নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? ওই 32,000 আমি
না ফিকশন করা হচ্ছে মানে সুদীপ দা ফিকশন না স্টোরি সেটাই আমি আগেই বললাম ফিকশন না ফ্যাক্ট আমি আগেই বললাম যে ছবিটার প্রথম ফ্রেম থেকে লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট না কেরালা হাইকোর্ট না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেনি তার আগে কি লাগানো হবে পেছনে কি লাগানো হবে ওটা আমার প্রোডিউসারের রেসপন্সিবিলিটি ফিল্ম হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড Suriptana, Mr. Dipul Shah se a My question is for Abha actually. Mr. Dipul Shah se a I'm actually asking you actually. When you are living through Shalini Unnikrishnan's terror actually, so did it bring on sleepless nights or nightmare to you? Hey, how come? बिपुल जी आपसे दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल डिस्क्लेमर लगाने के लिए बोला है वो आप कब लगा रहे हैं और उसके बाद कब री रिलीज का प्लान है एक नंबर दो नंबर आपने और सुदीप दा ने जो बार बार कहा है कि जो लड़कियों ने गैंग रेप हुआ है उनका बात लोगों से पहुंचाने के लिए ये फिल्म है तो आप गुजरात से है तो गुजरात में बिल्किस बानो का गैंग रेप का स्टोरी प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको लेके पहले क्यों फिल्म नहीं बनाया क्यों केरला स्टोरी बनाया यदि स्वागत क्रम 300-500 प्लीज रिप्लाई मैंने दोनों समझे पहली बात तो कि फिल्म तो आज भी रिलीज हो सकती है एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कल शाम को 5 बजे से पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट द न्यू डिस्क्लेमर इज डिस्प्लेड वी आर वर्किंग रिलेंटलेसली डे एंड नाइट ऑन दैट एंड वी विल इंश्योर दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुड नॉट कम टुडे टू कोलकाता बिकॉज आई हैव टू अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड वी विल follow the order in letter and spirit. Now coming to your second question about Venkis Bhanu, it's a terrible tragedy and our hearts break for them and 100% somebody should make a film on that subject also. There is no question about that. We are not against Muslim. What your question points is then why are we not taking up a cause which is of a Muslim lady? We have just made this one film and we invite every other person to get up and make films. If somebody makes a film with Bilkis Banu, we will support that film also. So that question, what you are trying to point out is completely wrong. Let me make it very clear, we are not against Muslims. We are not against any religion. We are against the terror group and Bilkis Banu ki tragedy bahut dukhad hai aur hamari puri sympathy hai unke sath. Sir, please don't misunderstand us as somebody who is just trying to take Hindu cause and not Muslim cause. Aisi binary mein humko divide mat kariye. We are filmmakers. Agar aapne meri film Namaste London dekhi hai, to Namaste London mein maine dikhaya hai ki ek Muslim ladke ko London mein एक लड़की क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है और उसे रोका जाता है ही डजंट कन्वर्ट आपको वो याद नहीं रहता आपको एक मसालेदार टॉपिक लेके आपको हमारी ओर एक क्वेश्चन फेंकना है आई विश वी आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज गर्ल्स एंड एवरी विक्टिम नॉट जस्ट दीज गर्ल्स एवरी विक्टिम ऑफ दिस कंट्री वी आर इक्वली सेंसिटिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट पीपल सर आई हैव अ क्वेश्चन सर बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ मुझे एक सवाल करने दीजिए सर एक सवाल मुझे करने दीजिए कि आपने मिस्टर विपुल में अभी थोड़ी देर पहले थ्रेट्स आ रहे हैं तो ये थ्रेट्स किन को आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं एक चीज सर और सेकंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ओटीटी पे कब आ रही है फिल्म थैंक यू हाँ दो सवाल की जवाब ये है हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं बहुत सारे ये एग्जीबिटर्स हॉल की ओनर विपुल सर को हमारी बॉम्बे ऑफिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन की लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं लेकिन
कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए, वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ, मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूं तो उनका नाम भी बता दूंगा, किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना। अच्छा, दूसरी सवाल OTT, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है, ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया के सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, विजुअल स्टेटमेंट ऑल्सो, आई मीन इट हैज बीन शॉट इन केरला, इट हैज बीन शॉट इन हिंदूकुश जोन इन इन नॉर्दर्न फेज, यू नो वेस्टर्न हिमालय हिंदूकुश जोन में भी शूट हुई है, सो इट हैज अ विजुअल स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टेटमेंट ऑल्सो, सो आई वॉन्ट टू, दैट इज वॉट विपुल जी एंड मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे एंड देन वील कम टू OTT एंड मोर ओवर दिस फिल्म गॉट अ सर्टिफिकेशन, ए सर्टिफिकेशन अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए वी आर सोशली कॉन्शियस फिल्म मेकर, सो वी विल डेफिनेटली गेट गो टू OTT बट आफ्टर सम टाइम। আপনারা একটা ফিল্ম এসেছিল 2002 তে, একটা ফিল্ম এসেছিল নিউইয়র্ক টাইমস, দেখেছেন ছবিটা আপনারা কেউ? 2002 তে একটা ফিল্ম এসেছিল, সেখানে নিউইয়র্ক শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ড কে নিয়ে ফিল্মটা বানানো হয়েছিল, সেই ছবিটা কিন্তু নিউইয়র্ক কে ডিসক্রেডিট করার জন্য ছিল না। মুম্বাই সাগা বলে একটা ফিল্ম এসেছিল মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড কে এক্সপোজ করার জন্য, মুম্বাই কে ডিসক্রেডিট করার ছিল না। এই ছবিতে আমরা যেই মেয়েগুলোতে দিয়ে কাজ করেছি সেই 7-8 বছর ধরে, ওরা কেরালার মেয়ে, ভীষণ সিম্পল মেয়ে, আমাদের এই শালিনী উন্নি কৃষ্ণান আর গীতাঞ্জলি মেনানদের মতন সিম্পল মেয়েদের গল্প, তারা কেরালের মেয়ে, কেরালের মেয়েদের মতন বিহেভ করে। হিন্দুকুশের কোনো মেয়ে নেই, আপনি ফিল্মটা দেখুন না, আমার নাম্বার নিয়ে নেবেন, ফিল্ম দেখার পরে আপনার যা কোশ্চেন আছে জবাব দেব। আমার মনে হয় যারা ফিল্ম দেখেছেন ও পাইরেটেড কপি হোক, যারা দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন, কিন্তু না দেখে ফিল্ম কোশ্চেন করলে আপনার কোশ্চেনটা না পলিটিশিয়ানের মতন লাগবে। আপনি ফিল্ম না দেখে যদি কোশ্চেন করেন আপনি জার্নালিস্ট থাকবেন না, আর আপনি পলিটিশিয়ান হয়ে যাবেন। সো বেটার হচ্ছে যারা ফিল্ম দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন। There are a lot of very physically violent scenes, and as a girl, you and me were, and any other girl with, and I think the women all have some sensitivity with us. But I have to say, I had a very good director, a creative team. My co-stars also, the boys who are playing the terrorists in real life, they were very good boys who were very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know when you're shooting a scene that is rape scene, suppose. As a girl, you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut. But just imagine the real life girls, no, over there. And they are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in the movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So yes, a few sleepless nights, but nothing compared to, every time I was comparing it to the real victims, and I said, no, we are very, very fortunate where we live right now. Thank you.